जय हिंद दोस्तों। दोस्तों घने कोहरे के चलते पाकिस्तान में घुसा बीएसएफ का जवान जिसे पाक रेंजर्स ने पकड़ा और चीन ने पेंगोंग झील के पास बनाई सेना की चौकी। वहीं भारत अमेरिका ने पहली बार चीन के सबसे करीब शुरू किया युद्धाभ्यास और इंडो पाक बॉर्डर पर इजराइल जैसी निगरानी की तैयारी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों उत्तराखंड में चीन सीमा से 100 किलोमीटर दूर भारत और अमेरिका का मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है और इसे युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। दोनों देशों के बीच वॉर एक्सरसाइज का ये 18th एडिशन है जिसे लेकर अब चीन को मिर्ची लगी है। चीन ने बुधवार को बताया कि एलएसी के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच बॉर्डर समझौतों की भावना का उल्लंघन है, लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद शांति स्थापना और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में दोनों सेनाओं के बीच अपनी स्पेशलाइजेशन को शेयर करना है। और ये पहली बार है जब अमेरिका और भारत एलएसी के इतने करीब वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चीन भारत सीमा पर एलएसी के करीब भारत और अमेरिका के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच समझौते की भावना का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इसे लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि ये चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता है। और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने 1993 और 1996 के समझौतों का जिक्र किया है, क्योंकि जब 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा के पास चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी तब भारत ने भी इन्हीं समझौतों का जिक्र किया था और तब भारत ने भी इसे द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन बताया था। यानी दोस्तों अब चीन को भी सारे पुराने समझौते याद आ गए हैं जो अभी तक चीन भूला हुआ था। वहीं भारत की समुद्री सीमा की निगरानी को मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड को नया हथियार मिला है। थर्सडे को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कोस्टल गार्ड में शामिल हुआ है और इसी हेलीकॉप्टर के एक स्क्वाडन को चेन्नई में सेलिब्रेशन के दौरान कोस्टल गार्ड में कमीशन किया गया था। साथ ही इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल समुद्री सीमा की निगरानी के लिए होगा। दोस्तों MK3 हेलीकॉप्टर की मदद से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रूप से मेन बेसिस की सुरक्षा की जाएगी। बता दें कि ALH MK3 हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का नेवल वर्जन है। इसे एडवांस रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, फुल ग्लास कॉकपिट, हाई इंटेंसिटी वाली सर्च लाइट सहित मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस किया गया है। वहीं चीन ने भारत से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के करीब नई मिलिट्री पोस्ट तैयार कर ली है। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको ने कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बात कही है। माना जा रहा है कि ये नया कदम चीन की उस मंशा को दर्शाता है जिसके तहत वो लंबे समय तक टकराव जारी रखने का मन बना चुका है। दोस्तों भारत और चीन के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ था। उस साल जून में ये टकराव एक नए लेवल पर पहुंच गया जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी। वैसे चाइना पावर प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की तरफ से आई इन द पिक्चर को नेटसेक डेली के साथ शेयर किया गया है। इन फोटोज से साफ पता लगता है कि PLA ने पेंगोंग झील पर हेडक्वार्टर्स और एक मिलिट्री पोस्ट तैयार की है जहां पर कुछ सैनिक देखे जाते हैं। दोस्तों पेंगोंग झील पूर्वी लद्दाख का वो हिस्सा है जो चीन और भारत के बीच बटा हुआ है। CSIS की माने तो हिमालय क्षेत्र में इस हेडक्वार्टर पर सेना की एक डिवीजन आ सकती है। जिस तरह से यहां पर एक्टिविटीज हो रही है और इसका जो साइज है उसके बाद तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दोस्तों LAC दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है और चीन ने ये कभी नहीं कहा है कि वह LAC से अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाएगा, बल्कि हमेशा पीछे हटने के बाद और आगे आ जाता है। वैसे मिलिट्री आउटपोस्ट से भी साफ पता लगता है कि चीन हथियारों से लैस सैनिकों की एक पूरी कंपनी को यहाँ पर रख सकता है और स्पेशलिस्ट के मुताबिक इससे साबित होता है कि आने वाले समय में भारत के साथ संघर्ष या टकराव होने की आशंका बनी हुई है। और चीन को मालूम है कि अगर उसे सिंजियांग और तिब्बत में कंट्रोल रखना है तो फिर इस क्षेत्र में मिलिट्री मौजूदगी काफी जरूरी है। यहाँ पर चीनी मिलिट्री के होने से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आंतरिक और बाहरी हालातों को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं घने कोहरे के कारण BSF का एक जवान गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान में घुस गया, जिसके बाद जवान को पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद पाक रेंजर्स ने जवान को रिहा कर दिया। BSF के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि मामला भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब सेक्टर का है और अबोहर सेक्टर में सीमा चौकी पूरन की 160वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल हेमनाथ थर्सडे को सुबह करीब 6:30 बजे जांच के लिए जीरो लाइन के पास जाते समय अनजाने में पाकिस्तान में घुस गए, लेकिन पाकिस्तान से लौटा भारतीय जवान सुरक्षित और स्वस्थ है। वहीं भारत पाकिस्तान को टेंशन में डालने जा रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को इजराइल की तरह मॉडर्न बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। यहाँ जगह जगह पर कैमरे होंगे, यानी दूर से ही दुश्मन पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख लगेगी और जरूरत पड़ने पर गोली भी मारी जाएगी।
क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमा पर 5,500 सिक्योरिटी कैमरा लगाने जा रही है और सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनसे सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि ड्रोन्स और हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर भी मंगाए जा रहे हैं। ड्रोन्स और कैमरे से निगरानी होगी और रात में थर्मल इमेजर काम आएगा। इसके साथ ही बीएसएफ को 5,500 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा और कुछ दूसरे गैजेट्स मिले हैं। ये गैजेट्स गृह मंत्रालय द्वारा जारी 30 करोड़ रुपए से आए हैं। वैसे बीएसएफ ने भी कुछ सर्विलांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसकी मदद से सीमा पर निगरानी की जा रही है। यानी एक तरफ बांग्लादेश से घुसपैठ को रोका जाएगा, दूसरी ओर पाकिस्तान की हरकतों पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। वैसे पिछले कुछ सालों में भारत ने सर्विलांस पे काफी काम किया है जिससे घुसपैठ में काफी कमी आई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।